केंद्र सरकार के द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को निरस्त करवाने के लिए हमीरपुर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में बाजार में रैली निकाली और प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बाजार से रैली में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गांधी चौक पर भी प्रदर्शन किया और बाद में डीसी हमीरपुर देवाश्वेता बनिक के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। वहीं प्रदर्शन के चलते सुबह से ही हमीरपुर गांधी चौक के साथ साथ मिनी सचिवालय पुलिस छावनी में तब्दील रहा है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस हर जगह मौजूद रही। जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि जब तक किसानों की मांगों को नहीं माना जाता है तब तक कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन डीसी के माध्यम से भिजवाया है और मांग की है कि जल्द इस काले कानून को निरस्त करवाया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के प्रस्ताव के समय न तो विपक्ष और न ही किसानों को विश्वास में लिया गया है और संसद में भी ये कानून संवैधानिक मान्यताओं को दरकिनार कर पारित किए गए हैं। जार ने इन तीन काले कृषि कानूनों को बिना किसी विलम्ब के केंद्र सरकार से निरस्त करवाने की मांग की है। इसे आपको पता ही, आपने कवर की थी 8 तारीख की, 8 दिसंबर की जो रैली हमने की थी इन सपोर्ट ऑफ फार्मर्स, जो एजिटेशन चला हुआ है उसके हक में हमने ये रैली की थी 8 तारीख को, और उसमें हमने कहा था कि जब तक ये काले कानून सरकार वापस नहीं लेती है हम लगातार किसानों के जब जब भी कॉल आएगी हम उनके साथ हैं और उनकी सपोर्ट में रैलियां और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। उसी कड़ी में हमने ये 14 तारीख की, क्योंकि किसानों की तरफ से ये कॉल थी कि 14 तारीख को आप ये वो अपना एजिटेशन को थोड़ा अग्रसर कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसी सिलसिले में हमने ये रैली की है। पार्टी का ऐसा कोई नहीं था, हमने उनकी जो जज्बात है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका जो एजिटेशन है उनको सपोर्ट करने के लिए हमने ये किया है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं आया है पार्टी की तरफ से कि हम पार्टी लेवल पे उनका विरोध करेंगे, अगर उनका मतलब घेराव करेंगे, अगर पार्टी की तरफ से ऐसा कोई आगे को कोई ऐसा निर्देश आते हैं तो हम जरूर करेंगे। वहीं पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता कुलदीप पठानी ने कहा कि पीएम मोदी खुद को चौकीदार कहते हैं लेकिन खुद ही चोर रास्ते से किसानों को गुमराह करके काले कानून पास करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तक किसानों के लिए कांग्रेस की सरकारों ने ही काम किया है लेकिन बीजेपी की सरकारों ने निजी कंपनियों के हवाले सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक देश की उन्नति के लिए काम किया गया है लेकिन भाजपा सरकार ने लोगों से छल करके इस तरह के काम किए जा रहे हैं। जब चाहेगा तब तक उसके मालिक एजिटेशन करते रहेंगे। जो अपने आप को चौकीदार कहता है वही चौकीदार जो है वो चोरी के रास्ते किसानों की जमीन को चोर रहा है, चुराने जा रहा है, उनको काले कानूनों के तहत उनकी चोरी करने लगा हुआ है। जब तक चोर नहीं हटता है हम मालिक उसके साथ डटे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो देश में बड़े बड़े डैम भी लगाए जो किसानों के हित में लगे, और आज किसान सब पूरा देश जो है वो भोजन इसके सिक्योरिटी भी आता है, तो ये किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया, इन्होंने क्या किया? ये जो किसानों को हमने दिया उसको चुरा रहे हैं, जो हमने देश के लिए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन खोले हैं उनको उसको बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, हवाई अड्डे को बेच रहे हैं, जियो को फायदा देने के लिए BSNL को बेच रहे हैं। ये अपने आप को सेवक कहते थे देश के प्रधानमंत्री, और ये तो महा चोर निकले और चोरी कर रहे हैं देश की जनता की चीज़ों का। तब आजाद हम साथ संपन्न हुए, नहीं तो जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी 34 करोड़ आबादी थी, 20 करोड़ आदमियों को 2 वक्त की रोटी नहीं थी। आज हम 130 करोड़ लोगों को रोटी देते हुए, फूड सिक्योरिटी बिल देते हुए दुनिया को अनाज उपलब्ध करा रहे हैं।